तो कैसे हो बच्चों आप लोग। तो आप जैसे कि जान रहे हो कि हम लोग यहाँ पे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं गाइस, एंड ऑलरेडी हम लोगों ने सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स कर लिए हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा को अच्छे से समझा है गाइस, डिविजिबिलिटी को अच्छे से समझा है और सारे सॉल्व प्रॉब्लम्स करें, वेदर इट वॉज लेवल 1 और लेवल 2, आप पीछे जाके प्लेलिस्ट में गाइस देख सकते हैं। और हम लोगों ने एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज चल रही है, इसकी 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक बहुत अच्छे से चीज़ों को देखा है। अगर आपने नहीं देखा है गाइज, तो आई विल सजेस्ट कि आप अगर बहुत अच्छा करना चाहते हो गाइज लाइफ में, बहुत अच्छा आप मैथ्स के अंदर करना चाहते हो गाइज, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक एक चीज़ को अच्छे से देखो और कॉपी पेन ले के जो है क्वेश्चंस को साथ साथ प्रैक्टिस भी करो गाइज। रोको, पॉज करो, खुद से करो, तो एक आपको लगेगा कि आपकी जर्नी में एक टीचर आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, ठीक है। तो मैं वो टीचर बनना चाहता हूँ जिस पर आप हमेशा बैंक कर सको गाइज, कि कभी भी मुझे कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो आशीष बाजपेयी सर इज़ देयर। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा गाइस, थोड़ा सा काम करना है, आप शेयर कर दो कि और भी सारे बच्चों को ये बेनिफिट मिल चुके हैं, जो आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है वो बाकी बच्चों तक भी आप पहुंचाओ, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग यहाँ पर लेवल 2 प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो लेवल 2 प्रॉब्लम जो है हमारी, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। तो देखो उसके अंदर कह रहे कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एनी जेड प्लस, तो मैं इसे लिख, कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, कह रहे हैं कैन नॉट बी ऑफ द फॉर्म, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन नॉट बी ऑफ फॉर्म 6m+2 और 6m+5 फॉर एनी m belonging to z, ठीक है। इसी टाइप के तो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। तो यानी कि कोई भी इंटीजर हमको दे दिया जाए गाइज, उसका स्क्वायर कभी ऐसा नहीं होगा, कैन नॉट बी ऑफ फॉर्म, कि 6 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर आए और 6 से डिवाइड करो तो 5 रिमाइंडर आए। मतलब कैसे हो सकते हैं इसका मतलब, तो इसका मतलब हो कैसे सकते हो, 6m टाइप के हो सकते हैं, 6m+1 टाइप के हो सकते हैं, 6m+3 टाइप के हो सकते हैं, 6m+4 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, ये हो सकते हैं। कहाँ से लिखा हम लोगों ने, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, कि 6 से डिवाइड करो तो 0 रिमाइंडर आता है, 1 रिमाइंडर आता है, 2 रिमाइंडर आता है, 3 रिमाइंडर आता है, 4 रिमाइंडर आता है, 5, लेकिन ये दोनों नहीं होंगे, ये 4 हो सकते हैं, ये हमें दिखाना है कि वो नहीं होंगे। ये होंगे नहीं होंगे इसका मतलब नहीं है अपने को, वो तो नहीं होंगे, लेकिन उनके नहीं होने का मतलब यही होता है इनका होना, ठीक है। तो अब कैसे लिए जाएं ये नंबर्स, किस तरीके के लिए जाए, देखो 3 अगर हम लोग लेंगे गाइस तो हम कभी भी 6m+5 नहीं दिखा पाएंगे, तो इसलिए हम अपने नंबर्स का जो लेने जा रहे हैं यहाँ पर, दैट विल बी 6p+1, इन सब का स्क्वायर करेंगे हम लोग, 6p+2, 6p+3, 6p+4 एंड 6p+5। अब केसेस ज़्यादा बनेंगे, क्या करना अपने को ना, 6 स्टेप्स हैं अपने प्रॉब्लम में, लेकिन करना क्या, वही छोटे छोटे स्टेप। आप देखो, आप जब जेई वगैरह की भी प्रिपरेशन करोगे ना, तो जो लेवल 2 प्रॉब्लम है वो कई सारे लेवल 1 प्रॉब्लम से बना हुआ है। यहाँ पे देखो, अगर आप देखो तो कहने को ये बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको करना है, 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 बस करना तो यही है ना, तो किस डरना नहीं है आपको, ठीक है। तो केस 1, तो अब 6p का स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ऑब्वियसली जब इसका स्क्वायर करोगे तो ये 36p² हो जाएगा, 6 कॉमन ले लो तो दिस इज 6 × 6p², इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6m लिख सकते कि नहीं, बिकॉज इट्स अ इंटीजर, m हमारा इंटीजर है, उसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये 6m फॉर्म आया, मतलब वो तो नहीं आया 6m+206, यही अपने को शो करना था। तो एक तरीका ये हो गया गाइस, एक केस हुआ है। इसी तरीके से अब आप 6p+1 का होल स्क्वायर करो, जल्दी जल्दी कर देते हैं हम लोग, 36p² + 1 + 12p। अब देखो यहाँ से 6 कॉमन होगा यहाँ से, तो मैं अब डायरेक्ट ही लिखूँगा 6m+1, ठीक है। तो जो लोग भी लेवल 1 में थे वो जानते कि ये कैसे लिखा जा रहा है, यहाँ से 6 और यहाँ से 6 कॉमन होके, और बिकॉज इट्स अ इंटीजर ये प्लस कर लेंगे हम लोग इंटीजर्स को, तो इंटीजर ही आएगा, 1 रिमाइंडर आ रहा है, तो 6m+1,
तो केस थ्री जब हम लोग करेंगे तो दैट इज 6p+2 का होल स्क्वायर, तो 36p² + 4 + 24p। अब आप देखो यहाँ पे 6 कहाँ कहाँ से कॉमन लोगे, अब यहाँ से 6 कॉमन लोगे, यहाँ से रिमाइंडर कितना बचेगा 6m+4। तो देखो 6 में से 3 केस हो गया, आपने देखा कितनी जल्दी हुए ना, तो इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं, ये भी आ चुका है, ये भी फॉर्म आ चुका, वो नहीं आए हैं, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट, ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो कह रहे हैं वो हम लोग कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो मज़ा आ रही गाइस, सिंपल तो है, स्क्वायर करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बोर तो नहीं होते हो अब बार बार एक ही चीज़ करने, नहीं बोर नहीं होना है गाइस, इट्स लाइक सारे लेवल्स जब क्लियर करेंगे तभी तो पूरा होगा ना क्वेश्चन, तो बोर कैसे होंगे, एक बड़ा सा प्रॉब्लम कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अब देखो 9 है तो इसको कैसे लिखेंगे, 6+3 लिख देंगे, को पता है ना, 6+3 लिख देंगे 9 एंड दिस इज 18 36p। अब 6 कॉमन, सो दिस इज 6m+3 का फॉर्म, ठीक है, ये भी आ गया। अच्छा फिफ्थ में आ गया, अब हम लोग फिफ्थ वाला पार्ट जो है दैट इज कौन सा बचा, अब हमने करना है 6p+3 हो गया है, 6p+4, ठीक है। अब इधर से स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, 36p² + 16। अब 16 कैसे लिखोगे, सोचो 12+4, क्योंकि बाकी में तो 6 आने ही वाला है ना, 48p। अब बताओ 4 रिमाइंडर है यहाँ पर, बाकी सारे हम लोग 6 कॉमन ले लेंगे, सो दिस इज 6m+4। अब एक और बचता है 6p+5, यहीं कर देते हैं, है ना, अच्छा लग रहा है सब एक लाइन में लिखा हुआ, 6c k6, 6p+5 का होल स्क्वायर, सो 36p² + 25, विच कैन बी रिटन एज 24+1। देखो जो भी होता है मैं उसको तुरंत ही ब्रेक कर दे रहा हूँ, ठीक है, 30 एंड 60p। देखो इन सब में 6 कॉमन एंड दिस इज 1 विच इज़ रिमाइंडर, सो 6m+1। तो हमने सबको स्क्वायर किया, 6m आया, 6m+1 आया, 6m+3 आया, 6m+4 आया, लेकिन कभी भी 6m+2 और 6m+5 नहीं आया, यही हमको शो करना था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कुछ नया है क्या गाइस, सो दैट द क्यूब ऑफ जेड प्लस इज ऑफ फॉर्म, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करो तो वो आना चाहिए 6q+r के फॉर्म में, जहाँ पे r मतलब हर पॉसिबल है, हर टाइप का, मतलब कोई भी क्यूब लोगे उसे 6 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 भी आने वाला है, 1b 2b 3b 4b 5b। तो 6 बार करना है, a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाना है, अगर आपने सॉल्व एग्जांपल देखा है वहाँ पे हम लोगों ने क्यूब वाले क्वेश्चन कर रखे हैं, ठीक है। द बेस्ट थिंग अबाउट आरडी शर्मा इज दैट कि ये सारे टाइप के प्रॉब्लम्स को कवर करता है गाइस, एंड देर आर लॉट ऑफ सॉल्व प्रॉब्लम्स, जिससे कि आप चीज़ों को सीख सकते हो, फिर आप उनको जाके एक्सरसाइज में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन अब हम यहाँ पे करेंगे गाइस, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग मान लेते हैं कि हमारे जो नंबर हैं गाइस क्यूब इस फॉर्म में आएंगे 6q, तो हम अपने नंबर्स कैसे लेंगे, 6m 6m+1, कहाँ से ले रहे हैं सब चीज़ें हम लोग, यूक्लिड डिवीजन लेमा से, अभी किया था जैसे, है ना, अब समझाने की ज़रूरत तो है नहीं कैसे कर रहे हैं, अपने लास्ट प्रॉब्लम देखा है तो यू अंडरस्टैंड दैट कि किस तरीके से वी आर डूइंग दिस, है ना। अब स्क्वायर करेंगे केस 1, 6m का होल क्यूब, तो ये तो बहुत ही सिंपल है गाइस, 6m का होल क्यूब, तो दिस इज 6 × 6² m³, दिस इज इंटीजर, तो ये 6q के फॉर्म में आया, वेयर रिमाइंडर इज 0, है ना, 6q के फॉर्म में आया, वेयर रिमाइंडर इज 0। अब थोड़ा सा काम आपका बढ़ेगा, क्योंकि अब हम लेंगे 6m+1 का होल क्यूब, तो देखो 6m का होल क्यूब, भाई 6 तो है ही है ना उसके अंदर, तो 6m का होल क्यूब हम पूरा ले लेते हैं,
प्लस वन का होल क्यूब दैट इज वन, फिर थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर मतलब सिक्स एम वन का स्क्वायर, यानी कि थ्री इंटू सिक्स एम, थ्री इंटू सिक्स एम, फिर क्या है थ्री ए स्क्वायर बी यानी कि थर्टी सिक्स, यानी कि सिक्स स्क्वायर एम स्क्वायर। अब आप समझो कि देखो सिक्स सिक्स है कहाँ, सिक्स यहाँ है, सिक्स यहाँ है, मतलब इस टर्म में भी सिक्स है, इस टर्म में भी सिक्स है, इस टर्म में, यानी कि यहाँ से कॉमन ले लिया जाए, इसका मतलब हम इसे सिक्स क्यू लिख सकते हैं। कहाँ नहीं है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वो हमारा रिमाइंडर हो जाता। तो सिक्स क्यू का फॉर्म ये हो गया सिक्स क्यू प्लस वन, यानी सिक्स एम प्लस वन लिया तो वही फॉर्म ही वापस आ रहा है, ठीक है। यानी जिस टाइप का नंबर का क्यूब कर रहे हैं वैसा ही अभी तक तो आया है। अब देखते हैं सिक्स एम प्लस टू का होल क्यूब, तो सिक्स एम का होल क्यूब यहाँ पे छः है ही है, तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, इसको पूरा लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर सिक्स है, उससे अपने को मैटर करता है। फिर बी क्यूब इज एट, ध्यान देना बी क्यूब इज यानी कि टू क्यूब एट है, तो उसको हम लिखेंगे सिक्स प्लस टू, ये ध्यान रखना, थ्री टाइम्स सिक्स एम का होल स्क्वायर इंटू टू प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, थ्री ए बी स्क्वायर, ए बी मतलब सिक्स एम एंड टू का स्क्वायर, ये हो गया। सिक्स है यहाँ पर, सिक्स है यहाँ पर, सिक्स है यहाँ पर, सिक्स है यहाँ पर, ये टू रिमाइंडर की तरह रहेगा, सो दिस इज सिक्स क्यू प्लस टू, ठीक है, मज़ा आ रहा है। तो ये तीन केसेस हो गए गाइस। केस फोर, सिक्स एम प्लस थ्री का होल क्यूब। मैथमेटिक्स आपको पेशेंस सिखाता है गाइस, क्योंकि आपको पता है कि क्या होगा, यू डोंट हैव टू लूज द पेशेंस, यू हैव टू कीप डूइंग इट, ठीक है। थ्री का क्यूब दैट इज 27, तो 27 को देखो कैसे ब्रेक करेंगे, 24 प्लस, तो एक यहाँ पे पैटर्न आप देख रहे हो कि जिस टाइप के नंबर का क्यूब कर रहे हो ना वैसा ही अभी तक आया, क्या ऐसा हमेशा होगा, वी विल सी दैट। आ रही मजा, तो थ्री टाइम्स सिक्स एम का होल स्क्वायर इंटू थ्री, थ्री टाइम्स सिक्स एम इंटू थ्री स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे सिक्स है, यहाँ पे सिक्स है, सिक्स यानी कि सिक्स क्यू प्लस थ्री, तो चार हो गए, दो ही केस बचे गाइस। सी फाइव, सिक्स एम प्लस फोर का होल क्यूब, और आखिरी केस जो होगा अपना दैट इज सिक्स एम प्लस फाइव का होल क्यूब, सिक्स एम का होल क्यूब इधर भी लिख ही देते हैं ना एक ही साथ में। ये फोर का क्यूब कितना होता है 64, तो 60 प्लस फोर दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। फाइव का क्यूब 125, अब बोलो तो 120 प्लस फाइव ऐसे लिखना है क्योंकि ये सिक्स से कट रहा है। फिर गाइज थ्री टाइम्स 6m का होल स्क्वायर इंटू फोर, यहाँ क्या लिखोगे 3 टाइम्स 6m का होल स्क्वायर इंटू फाइव, और ये क्या करेंगे 3 टाइम्स 6m इंटू 16, आ रही मजा कि नहीं। 3 टाइम्स 6m पहले वाले को ऐसे रखो, दूसरे का स्क्वायर करो 25, भाई 6 है यस, यहाँ नहीं है सिक्स, यहाँ पे भी सिक्स का कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर भी सिक्स का, तो बेसिकली यहाँ पे देखो फोर बचा, सिक्स क्यू प्लस फोर एंड दिस इज सिक्स क्यू प्लस फाइव। तो क्या कह रहे हैं, सो दैट द क्यूब ऑफ फॉर्म, तो मतलब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इस फॉर्म का लेके उसका क्यूब करो तो वही फॉर्म वापस से लौटता है, ये अब हम लोगों ने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14। तो चलिए गाइस देखते हैं इस क्वेश्चन को, यहाँ पे बोल रहा है सो दैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दीज नंबर्स इज डिविजिबल बाय 5 वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ठीक है। तो देखो कैसे करें इसको,
अब एक तरीका तो ये है कि मैं 5 के सारे टाइप के नंबर्स ले लूँ, 5Q, 5Q+1, है ना, ऐसे ले लूँ, और फिर मैं दिखाऊँ कि इन सब में से केवल एक ही ऐसा है जो 5 से डिविजिबल। लेकिन एक और तरीका है, देखो, मैं मान लेता हूँ कि ये वाला नंबर 5 से डिविजिबल है, देन आई विल हैव टू शो दैट कि बाकी का कोई भी 5 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अगर मैं एक को दिखाता हूँ और बाकी कोई हो जाता है तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा। तो फिर पहले ही मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि एन जो है वो मेरा 5Q है, एन इज़ 5Q। तो 5Q लेते ही ये तो 5 से डिविजिबल हो गया, अब कोई भी नहीं होना चाहिए। अब मैं जैसे n+4 लूँ, तो दिस इज़ 5Q+4, तो क्या ये डिविजिबल है भाई? यूक्लिड डिवीजन लेमा के हिसाब से रिमाइंडर 4 दे रहा है। अब n+8 अगर मैं लेता हूँ तो आई विल हैव टू राइट 5Q+8, 8 को लेकिन मैं कैसे लिखूँगा, 5+3। अभी आपने पीछे क्वेश्चन दिया, सो दिस इज़ बेसिकली 5Q+3 टाइप का, तो ये तीन रिमाइंडर दे रहा है गाइस। ठीक है, अब n प्लस इसके बाद 12, अब ये क्या हुआ, 5Q, तो कैसे ब्रेक करूँ मैं, 5 इससे बाहर लूँ, 10 ले लो, क्योंकि 10 तो 2, सो दिस इज गिविंग अस 5Q+2। फिर n+16, दिस इज 5Q+15+1, सो दिस इज ऑफ 5Q+1। तो आप देखो ये 5Q+1 है गाइस, दिस इज 5Q+2, दिस इज 5Q+3, दिस इज 5Q+4, 5 तो सारे आ गए ना, एक ही डिविजिबल होगा बस, ये वाला होगा, बाकी नहीं होगा। तो अगर मैं चेंज भी करूं, अगर मैं सोचूं कि मैं चेंज कर दूं, यहाँ से खुद से दिमाग लगाना होगा, अगर मैं यहाँ लिखता हूँ 5Q+1, तो देखो सब में एक एक बढ़ेगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा, यहाँ एक बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ एक बढ़ जाएगा तो जो 4 वाला था वो बन जाएगा 5, तो वो डिविजिबल हो जाएगा। 2 लूँगा तो फिर ये वाला बन जाएगा, 3 लूँगा तो ये बन जाएगा, और 4 लूंगा तो ये वाला बन जाएगा। तो समझ में आया? तो ये है, तो बस एक लेना है हमको, और बाकी को आप फील कर सकते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यू आर गोइंग टू फील इट, बट करने के लिए आप एक को दिखा के एंड यू सो दैट कि बाकी के रिमाइंडर क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते गाइस और देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। तो चलिए करिए गाइस ये क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोल रहे हैं कि सो दैट द स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर जेड प्लस कैन बी ऑफ फॉर्म 6Q+1 और 6Q+3। ठीक है, तो यानी किसी भी ऑड इंटीजर का स्क्वायर जब करेंगे तो उसका यही फॉर्म होगा, 6Q+1 या 6Q+3, यानी 6 से डिवाइड करेंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें 6 लाना होगा, तो 6 ही टाइप के नंबर्स लें, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा और उसमें 6 कॉमन नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 6 ही टाइप के नंबर्स में ऑड लेते हैं। तो देखो 6Q+1 ऑड है, क्योंकि इसमें से 2 कॉमन नहीं ले सकते हो, 6 यहाँ कुछ और बोल देता हूँ मैं, 6m+1, m इंटीजर हमारा, 6m+3 और 6m+5, तो ये हमारे इंटीजर्स हैं, 6m+1, 6m+3 और 6m+5, दीज आर माई इंटीजर्स, 6m+1, 6m+3, 6m+5, ये क्या है, दीज आर माई इंटीजर्स। अब क्या होता है कि 6m+1 और इनका स्क्वायर करेंगे एंड वी विल सी कि यही फॉर्म आना चाहिए और कोई फॉर्म नहीं आना चाहिए। तीन केस हैं बस मेरे पास करने के लिए। तो केस वन, 6m+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36m² प्लस 1 प्लस 12m। अब 6 कहाँ से कॉमन है, यहाँ 6 कॉमन, यहाँ 6 कॉमन, 1 रिमाइंडर बच रहा है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, 6Q+1। देखो ये लाना था, ये आ चुका है। फिर अगला जो ऑड नंबर है हमारे पास, दैट इज 6m+3 का होल स्क्वायर, दिस इज 36m² लग रहा है ना आप लोगों को आसान है,
तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, उसको मैं 6+3 लिख दूंगा। अब तक तो आप समझ गए होंगे। और 18 2 36, 36 है। अब देखो यहाँ 6 कॉमन, यहाँ 6 कॉमन, यहाँ कहाँ नहीं, रिमाइंडर हो जाएगा 6Q+3। अब या तो 6Q+1 आएगा या तो 6Q+3 आएगा, लेकिन 6Q+5 नहीं आने वाला क्योंकि भाई ये दोनों आ सकते हैं यहाँ पर। तो सी केस 3 करने जा रहे हम लोग। यहाँ पे हम लोगों का ऑड नंबर है अब 6m+5 का होल स्क्वायर, तो 36m² 25 को लिखेंगे 24+1 30 60m, दिस इज 6Q+1। ठीक है, तो दिख रहा है आपको कि स्क्वायर ऑफ ऑड इंटीजर इन्हीं फॉर्म में है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर एक है जिसका फॉर्म है गाइस 3Q+1। कैन यू राइट इट स्क्वायर इन एनी फॉर्म अदर देन 3m+1, 3m और 3m+2 फॉर m बिलोंगिंग टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। तो गाइज ये तो ओरल क्वेश्चन है, समझिए आप। अब सोचिए चाहे जिस भी फॉर्म का हो, 3Q+1 का हो या किसी भी फॉर्म का हो गाइस, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है इसको छोड़ के कोई और फॉर्म होना। यूक्लिड डिवीजन लेमा ने यही तो कहा है कि आप अगर 3 से डिवाइड करते हो तो आपको रिमाइंडर या तो 0 मिलने वाला है, या तो 1 या तो 2, और तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप स्क्वायर करके देख लो, 9Q² + 1 + 6Q। उल्टा आप यहाँ से ये देख सकते हो कि ये है आपका 3m+1 के फॉर्म का, ठीक है, तो इसी में से मिल रहा है ना आपको, मिल भी नहीं सकता इसको छोड़ के, कुछ होता ही नहीं है इसको छोड़ के, कोई और टाइप के नंबर ही पॉसिबल नहीं है इस दुनिया के अंदर, तो हम कहाँ से लाएंगे कुछ और। तो यही है आपका कि आप देखो ये 3m+1 है, एंड ऑब्वियसली इसी के अंदर पड़ेगा बिकॉज यही पूरा सेट ही है अपना, इससे अलावा कुछ मैथ में होता ही नहीं है। ऐसे कोई इंटीजर नहीं होते गाइस, पॉजिटिव इंटीजर जिनको 3 से डिवाइड करो और 0 1 2 को छोड़ के कोई और रिमाइंडर दे दे, क्योंकि यूक्लिड डिवीजन लेमा हमें यही बोलता है। ठीक है, तो चलिए नोट करिए एंड वी आर मूविंग टुवर्ड्स नाउ क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए देखते गाइस क्वेश्चन नंबर 17, बड़ा ही आसान है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं हम लोग। ठीक है, आप खुद ही कर सकते हो अब इसको, अगर आपने सारे क्वेश्चन करे हैं तो कोई चांस ही नहीं है कि आप इसको ना कर पाओ। ठीक है, फिर भी मैं कर देता हूँ। देखो, कह रहे कि कोई भी आप किसी भी तरीके का पॉजिटिव इंटीजर लो और उसका स्क्वायर करो तो वो इस फॉर्म का कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब मैं तीन तरीके के नंबर लूँगा, दैट इज 3Q, 3Q+1 एंड 3Q+2, यही लूँगा मैं। तो केस वन, तीन केसेस बनाऊँगा मैं, केस वन, केस टू, केस थ्री, है ना, तीन केसेस बनाऊंगा मैं। अब यहाँ पे मैं करूँगा 3Q का होल स्क्वायर, सो दिस विल बी 3 times 3Q² विच इज ऑफ द फॉर्म 3m। ठीक है, यहाँ पे मैं लूँगा 3Q+1 का होल स्क्वायर विच इज 9Q² + 1 + 6Q, 3 कॉमन 3 कॉमन, सो दिस इज 3m+1। एक और बचा 3Q+2 का होल स्क्वायर विच इज़ गाइज 9Q² + 4 + 3 2 6 12Q। अब ये 4 को ब्रेक करना चाहिए मुझको, यहीं ब्रेक कर देता हूँ, 3+1, 3 कॉमन 3 कॉमन 3 कॉमन, दिस इज 3m+1। ठीक, तो आप देखो 3m+2 नहीं है। तो ठीक है गाइस, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.1 हो जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे गाइस कि नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले सॉल्व एग्जांपल्स क्या है, क्या है थ्योरी, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, वो सबसे पहले समझेंगे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.2। थैंक यू वेरी मच।